गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन हम लोग बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के जो थर्ड पेपर है अपना, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था पिछले 2-3 लेक्चर में। और जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने बात किया था जितने भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो भी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन प्रिमिटिव कैरेक्टर जो थे वो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो चुके थे और अपन ने जो है एंजियोस्पर्म के जितने भी जो एडवांस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो उसमें चलने वाला अपना टॉपिक कि एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स अपना आज का टॉपिक रहेगा। बुक का नाम मेंशन कर देते हैं, बॉटनी पेपर थर्ड एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें अपन लोगों ने जैसे जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन लोगों ने बात किया था कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जैसे ये एंजियोस्पर्म है तो इसके अपन ने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था। अब प्रिमिटिव कैरेक्टर को एक बार अपन लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार जो भी इम्पॉर्टेंट 4 से 5 जो कैरेक्टर लास्ट के थे या फिर जो भी ओवरऑल थे उसमें अपन लोग कुछ पिछले टॉपिक्स को या फिर जो पॉइंट्स थे उनको अपन लोग रिकॉल कर लेते हैं जिससे थोड़ा टॉपिक में कनेक्टिविटी बन पाएगी अपने। तो जो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म होते हैं या फिर जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं वो बेसिकली किस तरह के हैबिटेट में रहते थे, वो जो प्लांट्स थे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फॉलो करते थे। ठीक है, कि जैसे एंजियोस्पर्म है तो अपन ने देखा था कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को फॉलो करते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये रहते थे। उसके अलावा ये वुडी होते थे। ठीक है, जितने भी जो वुडी प्लांट्स जैसे वो अगर वुडी प्लांट है विच मीन्स ये या तो बायएनियल होते थे या फिर ये पेरेनियल होते थे, क्योंकि वुड का फॉर्मेशन अगर जैसे कोई 1 ईयर का प्लांट है या फिर कोई एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट के अंदर अपन लोग देखते हैं कि वुड या फिर जो भी मोटी लकड़ी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन बेसिकली नहीं हो पाता है। जितने भी जो एनुअल प्लांट होते हैं उनका जो भी स्टेम होता है वो पेरेनियल प्लांट की कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये जो वुडी प्लांट थे तो इनका सेकंड हो जाएगा कि जितने भी वुडी मीन्स ये या तो पेरेनियल जो भी इनका लाइफ साइकिल होता है तो वो पेरेनियल टाइप का लाइफ साइकिल ये फॉलो करते थे। ठीक है, पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल के साथ में बायएनुअल या फिर पेरेनियल। ठीक है, बायएनुअल और पेरेनियल ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखा था अपन लोगों ने कि जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो डाइकोट प्लांट होते हैं, जैसे ये हो गया अपने डाइकोट प्लांट्स। अब जितने भी जो प्रिमिटिव या फिर जो एंजियोस्पर्म जो डाइकॉट टाइप का बिहेवियर या फिर जिनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें अगर 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उनमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट है विच मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो डाइकॉट प्लांट है। और डाइकॉट प्लांट की प्रेजेंस जो है एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। ये हो गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोगों ने देखा था कि इनमें डाइकोट प्लांट है, इसके बाद में प्लांट के अंदर जो फ्लावर पाए जा रहे हैं इसके जस्ट ऑपोजिट जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जैसे अगर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके जस्ट ऑपोजिट जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे वो हो जाएंगे अपने एडवांस एंजियोस्पर्म के। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके जो भी फ्लावर होते थे वो होते थे अपने डाइशियस नेचर के, ये होते थे अपने डाइशियस नेचर के। जितने भी फ्लावर होते थे वो बेसिकली डाइशियस नेचर के होते थे विच मीन्स उनमें जो भी मेल और फीमेल फ्लावर है, जैसे डाइशियस नेचर का फ्लावर है तो इसमें जो भी मेल स्ट्रक्चर्स होगी और जो फीमेल स्ट्रक्चर्स होगी वो क्या करेगी, वो अलग अलग प्लांट पे बनती है। ठीक है, जितनी भी मेल स्ट्रक्चर्स है और जितनी भी फीमेल स्ट्रक्चर्स है वो सारी जो है अपने अलग अलग प्लांट पे देखने को मिलती है। ये हो गया।
इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोगों ने बात किया था कि जितने भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसमें लिख लेते हैं अपन, ये डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया था कि जो भी फ्लावर है या फिर फ्लावर के अंदर जैसे जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, जैसे फ्लावर लीव्स का अरेंजमेंट है ना, ये हो गया अपना फ्लावर लीफ। तो ये लीव्स क्या होती है या फिर जितने भी जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलीमेरस बिहेवियर को शो करते हैं। और पॉलीमेरस का मीन जो है वो मैंने आपको लास्ट 2 से 3 बार डिस्कस किया था कि उसमें जितने भी जो फ्लावर लीव्स होती है या फिर जो फ्लावर पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे सेपल पेटल या फिर कैलिक्स कोरोला, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं कि अनुबाह्य दलपुंज या फिर बाह्य दलपुंज, दलपुंज जिनको कैलिक्स कोरोला, ये सारे जो भी इसके वर्ल्स होते हैं या फिर जो भी ये स्ट्रक्चर्स होती है, ये क्या करती है, इनका जो नंबर होता है वो मोर देन 10 होता है। मोर देन 10, इनका जो नंबर है ये मोर देन 10 होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने देखा था कि इसमें जो भी जैसे कि इनका नंबर 10 से ज़्यादा ही होता है। अब देखते हैं जो कैलिक्स और जो कोरोला है, कैलिक्स एंड कोरोला, इनका इक्वल इन नंबर, कि इनमें जितने भी ये जो फ्लावर होते हैं या फिर जो फ्लावर पार्ट है, इसके अंदर जो कैलिक्स और कोरोला जो पोर्शन है ये नंबर में इक्वल होते हैं। अब नंबर में इक्वल कैसे है कि अगर कैलिक्स का नंबर 6 है तो कोरोला का नंबर भी 6 होगा, इसका जितना नंबर होगा सेकंड वाले का नंबर भी उसका इक्वल ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखा था अपन लोगों ने कि इसमें जो भी कैलिक्स और कोरोला होता है या फिर जितनी भी जो फ्लावर लीव्स होती है, वो फ्लावर लीव क्या करती है, एक दूसरे को मतलब जैसे ये फ्लावर लीफ है, जब फ्लावर डायग्राम बनाएंगे तो अपन लोग देखेंगे कि ये क्या करेगी, ये एक दूसरे को यहाँ पर तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो ये जो ओवरलैप कर रही है ये बिहेवियर तो हो जाएगा एडवांस फीचर, लेकिन जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें क्या करता है कि ये जो फ्लावर लीफ होती है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होती है। सेपरेटेड के लिए अपन ने एक टर्म का यूज़ किया था और वो जो टर्म था अपने था इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, की इसमें जो भी फ्लावर होते हैं वो बेसिकली इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को फॉलो करते हैं या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में वो अरेंज रहते हैं, कि जितने भी जो फ्लावर लीव्स होते हैं वो फॉलो करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ये हो गया अपना इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, कि जो भी फ्लावर लीफ होती है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को फॉलो करती है, जिसे अपन लोग बोलते हैं कि कोर छादे विन्यास, हिंदी में अगर बोलेंगे तो वो होगा कोर छादी विन्यास। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कौन सा होता है, ये अपन लोगों ने एज ए एग्जाम्पल जो डायग्राम था उस तरीके से देख लिया था कि जैसे ये है तो ये जो होगा एक दूसरे से ये सेपरेट होंगे, जो भी फ्लावर लीफ होगी वो एक दूसरे को वो ओवरलैप नहीं करेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई थी। इससे नेक्स्ट अपन लोगों ने देखा था कि जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं उन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है कि जो फ्लावर है, बेसिकली अपन जैसे हैबिटेट देख लिया था, ठीक है, उसके बाद में प्लांट का नेचर देख लिया था, उसके बाद में अपन लोग फ्लावर के बारे में बात करें तो अपना नेक्स्ट आ जाएगी कि जितने भी जो फ्लावर होते हैं उसमें एक सिमेट्री पाई जाती है, कि अगर अपन किसी भी प्लांट को या फिर किसी भी फ्लावर को या फिर अगर एनिमल्स की बात करें तो जो भी एनिमल बॉडी होती है फिर जो एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग वो कौन से सिमेट्री में होता है, ठीक है, कि वो कौन से प्लेन में है या फिर अगर हम लोग उसे डिवाइड करना चाहते हैं दो इक्वल पोर्शन में तो कौन सा सिमेट्री लगेगा वहाँ पे, अगर 2 से ज़्यादा प्लेन में उसको कट करना पड़ रहा है तो वो कौन सा सिमेट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो भी फ्लावर होते हैं वो भी एक सिमेट्री को शो करते हैं, और जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक्टोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, वो होते हैं अपने एक्टोमॉर्फिक नेचर के। और एक्टोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक यानी कि वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, एक्टोमॉर्फिक का मतलब कि वो रेडियल सिमेट्री को शो कर रहे हैं।
ठीक है, वो हो गया रेडियल सिमेट्री को ये लोग शो करते हैं। ये हो गया। अब रेडियल सिमेट्री क्या था उस दिन में, मैंने बताया था कि जैसे कोई फाइव लीव्स का फ्लावर है, ठीक है, जिसमें पांच फ्लावर लीफ पाई जाती है, तो बेसिकली अगर इसके ऑपोजिट अगर अपन लोग बात करते हैं बाइलेटरल की, जैसे बाइलेटरल हो गया, जैसे ये हो गया अपना बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में तो क्या है कि जो भी फ्लावर होता है उसको अगर अपन लोग सेंटर में से कट करेंगे तो वो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जैसे इसको एक ही प्लेन में से अपन ने डिवाइड किया है और एक प्लेन में से कट करने से ही जो फ्लावर है वो दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा, या फिर जो भी प्लांट होता है उसको हम लोग दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें क्या होता है कि अगर फ्लावर है, फ्लावर को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है तो उसको दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा प्लेन में उसको कट करना पड़ेगा। जब हम लोग उसे दो या दो से ज़्यादा प्लेन में कट करेंगे तभी हमें उस फ्लावर के इक्वल पोर्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें देख ली थी। इसके बाद में देखा था कि इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर टाइप की ओवरी पाई जाती है, और जितने भी जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस टाइप के फ्लावर होते हैं, और इसमें जो फ्लावर होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, सॉरी जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जैसे अगर इसमें सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावर के चारों तरफ फ्रूट बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एंडोस्पर्मिक नेचर के होते हैं, जबकि एडवांस का जो कैरेक्टर होगा उसमें अपन देखेंगे कि वो जो प्लांट होते हैं या फिर वो जो भी प्लांट्स में जो सीड बनते हैं वो एंडोस्पर्मिक नेचर के अपने नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गए अपने जितने भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इनको डिस्कस करने का यहाँ पे सिर्फ यही रीज़न है कि जितने भी जो एडवांस कैरेक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते ही होंगे, ठीक है। अगर दो चीज़ों में डिफरेंस करना है तो पहले एक चीज़ के बारे में भी तो पूरी पता होनी चाहिए ना, उसके जस्ट ऑपोजिट सेकंड वाला होता है, बेसिकली यही चीज़ें चलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने इनको डिस्कस किया। अब अपन लोग बात करेंगे जितने भी एंजियोस्पर्म के एडवांस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, कि एंजियोस्पर्म में जो जो भी चेंजेस आए थे अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो टाइम के साथ साथ उनमें कौन कौन सी नई स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ था, और वो नई स्ट्रक्चर फॉर्म हुई तो वो कम्प्लीटली पुराने वाले से कुछ को रिलेटेड थी, या फिर वो कम्प्लीटली नए जो स्ट्रक्चर से वो फॉर्म हुए थे। तो नेक्स्ट आता है अपने एडवांस कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में अब अपन लोगों को बात करना। तो अपना जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर जो फर्स्ट एडवांस कैरेक्टर है अपने एंजियोस्पर्म का, वो क्या है कि जैसे अपन ने प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में देखा था कि वो जो प्लांट होते हैं वो वुडी और टेरेस्ट्रियल टाइप के होते हैं, ठीक है। जबकि जितने भी जो एडवांस प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर्बेशियस नेचर को, वुडी का मतलब वो ट्री लाइक अपीयरेंस शो करेंगे, ठीक है, या फिर श्रब लाइक अपीयरेंस शो करेंगे। जबकि अपन मान लेते हैं कि वुडी का मतलब है कि वो ट्री लाइक होते हैं, ठीक है, या तो वो ट्रीज होते थे, ट्रीज है तभी उनमें वुड बन रही है, ठीक है, और तभी ही वो पेरेनियल टाइप के जो होते पेरेनियल टाइप का बिहेवियर वो शो करते थे, या फिर उनका जो लाइफ साइकिल है वो मल्टीपल ईयर्स तक चलता था, ठीक है। तो उसी के अपोजिट आ गया अपना एडवांस कैरेक्टर, की जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं जो रिसेंट में जिनमें एडवांस कैरेक्टर्स का इंक्लूजन हुआ है वो क्या करते हैं, वो हर्बेशियस नेचर के होते हैं। ये हर्बेशियस नेचर के होते हैं, प्लस इसके अलावा क्या हो गया कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते थे, तो उसके ऑपोजिट एडवांस कैरेक्टर में क्या आ जाएगा कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जिस एरिया में वो रह रहे हैं, ठीक है, मतलब जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो हो गया उनका हैबिटेट। तो ये हो गया अपना जो फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये हर्बेशियस यानी कि हर्ब लाइक होते थे, सेकंड कि वो
एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी अपने को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है कि जैसे जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में देखा था कि वो बाईएनुअल या फिर पेरेनियल जो है उनका लाइफ साइकिल चलता था। उसी के ऑपोजिट इसमें आ गया कि ये जो प्लांट होते हैं ये एनुअल होते हैं, यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर का ही होता है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता। ये इस 1 ईयर के अंदर ही ये इनका जर्मिनेशन होता है। जैसे इनका जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन के बाद में क्या किया इन्होंने, जो अपनी प्लांट बॉडी फॉर्म करने के बाद में इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होएगा। जैसे ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद में हम लोग क्या देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे। जैसे मेल एंड फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया या फिर डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो मेल और फीमेल गैमिट बने हैं इनमें क्या होएगा, फ्यूज़न होएगा या फिर फर्टिलाइजेशन होएगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होएगा, जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट से ही फिर क्या होएगा कि आगे जो है सीड बन जाएगा या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन होएगा। जैसे फ्यूजन के बाद में अपन लोग लिखते थे जैसे फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया। ये फ्लावर डेवलप हो गया, फ्लावर से फिर फ्रूट और सीड, फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट। बेसिकली यही प्रोसेस चलता है, ठीक है। इस आउटलाइन के अंदर ही अपन लोग देखेंगे कि जैसे कोई भी सीड है या फिर कोई भी स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, प्लांट बॉडी बनेगी। अब वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है वो अपन लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, एक प्लांट बॉडी ही बन रही है। उस प्लांट बॉडी पे जब मैच्योरिटी आती है तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन गई, फिर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उस पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर जो भी मेल और फीमेल गैमेट है वो डेवलप होते हैं, फ्यूजन होएगा, फ्यूजन से फ्लावर बनेंगे, फ्लावर से सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। यही फिनोमेना चलता है, ठीक है। तो इसमें 1 ईयर, ये जितना भी इसका जो लाइफ साइकिल अपन ने देखा है कि जर्मिनेशन से लेके सीड डेवलपमेंट तक, ये कंप्लीट प्रोसेस क्या करता है, 1 साल में ही कंप्लीट हो जाता है, या फिर ये जो साइकिल चलता है वो 1 ईयर के लिए ही चलता है। उसके बाद में ये जो भी प्लांट होता है उसकी डेथ हो जाती है, ये प्लांट की यहाँ पे फिर डेथ हो जाती है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जो एडवांस कैरेक्टर्स को शो करते हैं, जैसे अपन ने प्रिमिटिव में देखा था कि वो डाइकोट नेचर शो करते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि ये मोनोकोट नेचर को शो करते हैं, यानी कि इसका जो एम्ब्रियो होता है उसमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया अपना कि इसमें जो है सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है। जितने भी मोनोकोट प्लांट होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है, कि जो मोनो वर्ड है उसका मतलब ही एक होता है, कोट मतलब दो, सिंगल कोटिलेडन, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और कॉट का मतलब कि दो, एक कोटिलेडन उसमें प्रेजेंट है। जबकि अगर यहाँ पे डाइकोट लिख देते हैं तो डाइकट मीन ही हो गया टू और कॉट का मीन हो गया कोटिलेडन, ठीक है, कि जो कोटिलेडन है वो। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितने भी एडवांस एंजियोस्पर्म है उनमें जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, लीव्स की जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली अपन ने प्रिमिटिव में देखा था कि वो सिंपल हो सकते हैं, वो अल्टरनेट हो सकते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो भी लीव्स होती है वो या तो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होती है, साइक्लिक और ऑपोजिट, और जो लीफ अरेंजमेंट होता है, अपन जब भी टैक्सोनॉमिक जो
छोटे छोटे जो इसके जो फार्मूलाज बनेंगे, जैसे फ्लावर फार्मूलाज वगैरह आ गए, या फिर जो भी टैक्सोनॉमी की के बारे में जब अपन लोग डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे कि जो लीफ अरेंजमेंट होता है उसी को अपन एक टर्म देंगे जिसे बोलते हैं फिलोटैक्सी। ठीक है, तो लीफ अरेंजमेंट को ही एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी, जिसके बारे में डिटेल जो होगा अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लीफ अरेंजमेंट है या फिर जो इसका फिलोटैक्सी है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं कि ये या तो साइक्लिक होते हैं या फिर ये अपोजिट वे में ये अरेंज होते हैं। ये हो गया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे अब अपन लोग बात करते हैं इसके फ्लावर के बारे में कि इसका जो फ्लावर होता है, जैसे प्रिमिटिव में भी देखा था कि जो मोस्ट ऑफ जो कैरेक्टर्स थे या फिर जो मोस्ट ऑफ प्रिमिटिव जो भी उसके फीचर्स थे वो सारे में मोस्टली जो थे वो फ्लावर्स के बारे में ही थे। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा फ्लावर को ही वहाँ पे फोकस किया गया था। तो यहाँ पे भी अपन लोग क्या करेंगे कि ये सब तो हो गए, लेकिन अब जो ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे वो अपन फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि फ्लावर जो भी फ्लावर्स के अंदर जो जो भी कैरेक्टर्स हैं या फिर प्रिमिटिव और एडवांस में क्या क्या चेंजेस आए वो सारी चीज़ें अब देखेंगे। तो इसके बाद में जितने भी जो प्रिमिटिव जो एडवांस एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोनोइशियस नेचर को फॉलो करते हैं। ये हो गया अपना मोनोइशियस नेचर, कि जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें अगर मोनोइशियस नेचर के वो है, अगर उसमें मेल और फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर सेम ही प्लांट पे प्रेजेंट है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये है एक एंजियोस्पर्म का एडवांस कैरेक्टर। ठीक है, अगर मेल और जो फीमेल फ्लावर है अगर वो सेम ही प्लांट पे या तो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है या फिर एक ही प्लांट पे वो साथ में प्रेजेंट है, तो वो जो कंडीशन होती है उसे अपन लोग बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन या फिर मोनोइशियस नेचर। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जितने भी जो एंजियोस्पर्म है जो एडवांस कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं वो है कि इसमें जो वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसमें जो भी वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो क्या होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। अब वेल डेवलप्ड, इसमें वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव कैरेक्टर से उसमें क्या देखा था अपन ने कि जितने भी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जैसे वुडी स्ट्रक्चर्स पाई जाते थे या फिर उसमें ट्री लाइक वो पाए जाते थे, तो उनका जो भी रूट सिस्टम है या फिर जो भी स्टेम सिस्टम है उसके अंदर जो जितने भी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं या फिर जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट पाया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि वेसल्स एबसेंट होते थे। एक तो वेसल एबसेंट है, जैसे जाइलम का वेसल जो होता है वो बेसिकली जाइलम का ही एक पार्ट है। ठीक है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, तो ये सारे क्या हो गए, ये जाइलम के पार्ट हो गए। तो उसमें क्या होता था कि जैसे चार पार्ट में अगर उसको डिवाइड किया गया है तो उसमें से अपन ने देखा था कि जितनी भी जो वेसल्स होती है जो एडवांस एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, लेकिन जितने भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें वेसल्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाइलम है, जैसे ये जाइलम है, तो इसके भी चारों पोर्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये चारों यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि अपन ने प्रिमिटिव में देखा था कि उसमें जो है वेसल्स नहीं थे। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है उसमें भी जो होता है जैसे कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स, उसके बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड फॉर्म में और प्रॉपर अरेंजमेंट में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये हो गया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है वो ये कि जितने भी एडवांस एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे फ्लावर है तो वो फ्लावर क्या करेगा कि वो ओलिगोमेरस बिहेवियर को शो करता है। जैसे नेक्स्ट आ गया अपना कि जो भी फ्लावर होते हैं अगर फ्लावर मोनोइशियस है तो वो फ्लावर क्या करेगा, ओलिगोमेरस कंडीशन को वो फुलफिल करता है। जैसे ये हो गया फ्लावर और ये हो गया अपने ओलिगोमेरस। जितने भी फ्लावर है वो ओलिगोमेरस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और ओलिगोमेरस कंडीशन का मतलब क्या है कि या तो कैलिक्स और कोरोला या फिर सेपल और पेटल, जिसे हम लोग दलपुंज, अनुबाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो इनका जो नंबर होता है वो लेस देन 10 होता है।
10 से कम होता है, ठीक है। जबकि अपन ने पॉलीमेरेज कंडीशन में क्या देखा था कि उनका जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा है, जबकि इसमें क्या होगा, नंबर जो है वो 10 से कम होगा, ये हो गया। और ओलिगोमेरेज का मीन ही यही होता है, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे, जब अपन टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जब प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे भी अपन लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो पॉलीमेरस और ओलिगोमेरस, तो जो पॉलीमेरस होता है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को शो करता है, जबकि जो ओलिगोमेरस कंडीशन होती है वो एक एडवांस कैरेक्टर को प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन अपना नेक्स्ट कैरेक्टर कि जितने भी अब ये जो ओलिगोमेरस कंडीशन होती है, इसी को हम अपन लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो जो है अपिटेलस स्टेज। अपिटेलस स्टेज, ठीक है। कि जितने भी जो फ्लावर होते हैं, या तो वो अपिटेलस होते हैं या फिर वो ओलिगोमेरस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड याद कर सकते हो, ये बोलोगे तब भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा, और अपेटलस बोलोगे तब भी कॉन्सेप्ट जो है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं कि इसमें जितने भी जो फ्लावर लीव्स होती है वो किस अरेंजमेंट में रहती है। जैसे प्रिमिटिव में देखा था कि जितनी भी जो फ्लावर लीफ होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है, ठीक है। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना, विच मीन्स कि वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, और उसी को बोला था कि वो जो है ये एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को फॉलो करती है। जबकि जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं जो एडवांस कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, उनमें क्या आ जाएगा कि जो भी फ्लावर है या जो फ्लावर लीव्स है, जितनी भी फ्लावर लीव्स हैं वो फ्लावर लीव क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। जैसे अगर अपन लोग फ्लावर डायग्राम बना के देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जितने भी जो एंड्स हैं, जैसे ये कैलिक्स का एंड हो गया, ठीक है, जैसे ये कैलिक्स है या फिर ये पेटल्स का एंड है, तो इसमें क्या होएगा कि जितने भी जो एंड है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये ओवरलैप करना कि जितने भी एंड है वो क्या करेंगे, या फिर जो भी फ्लावर लीफ है, जैसे ये हो गई अपने फ्लावर लीफ, ये हो गई फ्लावर लीफ, तो एक फ्लावर लीफ दूसरी फ्लावर लीफ के एंड को ओवरलैप करेगी, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को अपन लोग बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इस अरेंजमेंट को बोलेंगे वेलवेट एस्टिवेशन, और हिंदी में कोर्स पर्शी विन्यास, ठीक है। कि ये इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें फ्लावर लीफ एक दूसरे को ओवरलैप करती है, उस अरेंजमेंट को वेलवेट एस्टिवेशन बोला जाता है, या फिर उसे हम लोग कोर स्पर्शी विन्यास कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है अपना, उसमें लेते हैं कि ये जितने भी जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, या फिर जैसे नेक्स्ट हो गया कि जितने भी फ्लावर पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, जबकि उसमें देखा था कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते। फ्यूज कैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो डाइशियस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं, और डाइशियस में कि मेल और फीमेल फ्लावर ही दोनों कम्प्लीटली अलग अलग प्लांट पे, सेम प्लांट पे है ही नहीं। और साइकस का एग्जांपल भी मैंने दिया था कि साइकस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, लेकिन एज ए एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जितने भी जो साइकस होते हैं उसमें मेल, जितना भी जो मेल कोन और जो फीमेल कोन होता है वो क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट पे बनते हैं, दो सेम प्लांट पे नहीं बनते, ठीक है। वो हो गया था। जबकि इसमें क्या होता है कि मोनोइशियस टाइप के फ्लावर, मतलब जो भी प्लांट होते हैं वो मोनोइशियस टाइप के होते हैं। मोनोइशियस यानी कि जितने भी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, या फिर जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो सेम ही प्लांट पे बनते हैं, विच मीन्स जितने भी जो फ्लावर पार्ट होंगे वो भी एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, और जो भी फ्लावर लीफ होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए अरेंज्ड होती है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि जितने भी फ्लावर है
कि इसमें जितने भी फ्लावर बनते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, जबकि उसमें क्या देखा था कि वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। और बाइलेटरल का मीन क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री के लिए हम लोग एक और बॉटनिकल टर्म यूज करते हैं जो है जाइगोमॉर्फिक। ये हो गया अपना जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, कि जितने भी फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, वो फ्लावर बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं और जाइगोमॉर्फिक टाइप के होते हैं। ये जाइगोमॉर्फिक का मतलब ही ये होता है कि बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या हो गया कि जैसे कोई भी फ्लावर है, अगर हमने फ्लावर को सेंटर में से कट करना है तो जब भी हम उसे सेंटर में से कट करेंगे तो उसके दो इक्वल पोर्शंस जो है वो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। इसी को अपन लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि कोई फ्लावर है तो अगर ये, हालांकि जितने भी जो 5 लीव्स होगी, अगर एक फ्लावर में 5 लीव्स हैं तो वो जो फ्लावर होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा। जैसे इसमें 5 लीव्स है ना, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा, ये जो होगा ये अपने रेडियल सिमेट्री को फॉलो करेगा, ठीक है, रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का होगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने लीव्स का जो अरेंजमेंट दिखाने के लिए ये आपको बताया था। जैसे अगर किसी प्लांट में जो है 6 फ्लावर लीफ है ना, तो 6 फ्लावर लीफ है, अगर हम लोग उसे सेंटर में से कट करते हैं तो हमको जो है 3 3 फ्लावर लीफ के फॉर्म में जो है 2 पार्ट मिलेंगे, जिसमें एक में 3 होगी और एक में 3 होगी। अगर 8 लीफ है तो एक पोर्शन में 4 लीफ मिलेगी और सेकेंड पोर्शन में हमको 4 लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बाइलेटरल का मतलब ही होता है कि अगर हमने किसी भी फ्लावर को डिवाइड किया है तो वो क्या होएगा, 50-50% का जो पार्ट होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर प्लांट को कट किया है तो उससे हमको क्या मिलेगा, 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट यहाँ पे जो है फिर हमको देखने को मिलेंगे। जबकि जितने भी जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उसमें प्लांट, उसमें फ्लावर को अगर इक्वल पार्ट में कट करना है तो उसे 2 से ज़्यादा प्लेन्स में हमें कट करना पड़ेगा, तभी हमको वो इक्वल पार्ट में मिलेगा। जैसे अगर ये फ्लावर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से ज़्यादा प्लेन में कट करना पड़ेगा, तभी जो है हमको इक्वल इक्वल पोर्शंस जो है इसके देखने को मिलेंगे। ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम जो नेक्स्ट फीचर है, इसके जो फ्लावर्स हैं उसमें जितने भी जैसे जो ऑर्गन्स है, बाकी के अभी तक अपन लोग देख रहे हैं कि सेपल और पेटल के बारे में बात किया है, ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि ये जो भी फ्लावर होते हैं वो या तो एपिगाइनस टाइप के होते हैं या फिर वो पेरीगाइनस टाइप के होते हैं। अब एपिगाइनस और पेरीगाइनस क्या होता है, ये चीज़ें अपन लोग इसके मतलब एक बार ये कैरेक्टर्स पूरे हो जाए उसके बाद में अपन लोग इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एपिगाइनस है, पेरीगाइनस है या फिर सुपीरियर टाइप की हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये जो फ्लावर होते हैं ये या तो एपिगाइनस टाइप के होते हैं, एपिगाइनस एंड पेरीगाइनस, या तो एपिगाइनस होंगे या फिर ये पेरीगाइनस होंगे। जबकि जितने भी जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स था या फिर जितने भी जो प्रिमिटिव फ्लावर्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस के होते हैं, इसके ऑपोजिट देखा था कि जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस टाइप के होते हैं। जबकि उसके बाद में इसी से जो है एपिगाइनस और पेरीगाइनस जो है टर्म्स निकल के आए, या फिर इसी से जो है हाइपोगाइनस टाइप का जो फ्लावर है उसी से बाद में जो कुछ चेंजेस के बाद में वो एपिगाइनस और पेरीगाइनस जो कंडीशन है वो फुलफिल होने लगी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अपना वो है कि इसमें जो भी जैसे फ्लावर है तो फ्लावर में भी क्या होगा, या तो ओवरी का डेवलपमेंट होगा, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बनेगी और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बनेगी। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसमें क्या होएगा, हमको ओवरी देखने को मिलेगी, जैसे
ओवरी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये ओवरी ही तो जो है सीड, सीड का डेवलपमेंट तो ओवरी से ही होगा ना। तो अपन लोग बात करते हैं ओवरी के बारे में कि जितने भी प्रिमिटिव जो टाइप के थे उसमें सुपीरियर टाइप की ओवरी देखने को मिलती थी, जबकि जो एडवांस एंजियोस्पर्म है उसमें इन्फीरियर टाइप की ओवरी देखने को मिलती है। इसमें जो है इन्फीरियर टाइप का ओवरी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जैसे ओवरी है, ठीक है, अब ओवरी के चारों तरफ भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी सेल है तो सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन उसके बाद में क्या होती है, एक सेल वॉल से कवर्ड रहती है, या फिर अपन सेल ऑर्गेनल्स या फिर जितने भी जो कोशिकांग होते हैं या फिर कोई भी सेल के अंदर जितने ऑर्गन पाए जाते हैं, जो छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे न्यूक्लियस ले लिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लिया, गोल्जी बॉडीज ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, ठीक है, तो ये जितने भी लाइसोसोम हो गया, तो ये जितने भी जो सेल ऑर्गेनल है ये क्या करते हैं, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है या फिर एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, झिल्ली उसके अंदर जैसे अगर गोल्जी बॉडीज़ है या फिर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, जो भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड है उसको वो सेफली स्टोर करके रखती है, ठीक है, जितने भी जो अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ उसको फ्यूज़ होने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से जो भी एडवांस कैरेक्टर है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे ओवरी है, ये ओवरी के चारों तरफ क्या होता है कि प्रिमिटिव में देखा था कि ओवरी के चारों तरफ दो इंटैगमेंट पाई जाती है, जबकि जो एडवांस है उसमें क्या होता है, यहाँ पे सिंगल इंटैगमेंट पाई जाती है। इसका मतलब ही क्या है, मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली, ठीक है, ये हो गया कि इसमें जो है सिंगल ही पाई जाती है, जबकि जितने भी जो प्रिमिटिव कैरेक्टर थे उसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती थी या फिर दो इंटेगमेंट पाई जाती थी, ये हो गया। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट फीचर है वो ये कि जितने भी एडवांस एंजियोस्पर्म होते हैं, उन एडवांस एंजियोस्पर्म में जो कार्पल होता है, जैसे कोई भी फ्लावर पार्ट है, तो फ्लावर पार्ट बेसिकली जितने भी जो फ्लावर पोर्शन होते हैं उसे हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो चार पार्ट कौन से हैं, फर्स्ट हो गया अपना सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ठीक है, ये हो गया। जो सबसे आउटर पोर्शन होता है वो होता है सेपल, सेपल के अंदर पेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इनर हो गया। अब सेपल और पेटल के अंदर जो होते हैं स्टेमन होता है, ये स्टेमन क्या हो गया अपने, ये एक तरह से मेल ऑर्गन हो गया या फिर इससे जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होएगा, और इसका नेक्स्ट आ गया जैसे कि फीमेल गैमेट। ये चीज़ें कि कोई भी फ्लावर होता है तो उसको जब जैसे इससे आगे के जो भी क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो अपन लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं कि एबीसी मॉडल नाम की एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे एबीसी मॉडल नाम का कॉन्सेप्ट है। तो अभी यहाँ पे अपन लोग इसको डिस्कस ना करके कि सिर्फ जो भी फ्लावर है, एक्चुअली जो एबीसी मॉडल होता है वो भी पूरा फ्लावर के जो अरेंजमेंट होता है, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इन्हीं पर बेस्ड है। तो कोई भी फ्लावर होता है उसमें बेसिकली चार पोर्शन होते हैं, फर्स्ट आ गया अपना सेपल जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, नेक्स्ट आ गया पेटल जो कि सेपल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बाद में पेटल के अंदर स्टेमन बनते हैं और स्टेमन के साथ में जो है कार्पल का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी स्टेमन होते हैं उससे मेल गैमेट या फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होएगा, जबकि जो कार्पल होता है वो एज अ फीमेल गैमेट वर्क करता है, ठीक है, ये चीज़ हो गई।
तो अब अपन देखते हैं कि जो कार्पल जो स्ट्रक्चर है जिससे एक्चुअल में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है या फिर उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कार्पल पता चल गया कि कार्पल क्या है, ये हो गया अपना कार्पल। और ये क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है फ्लावर का, फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये हो गया अपना सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है ये, जो कि सबसे अंदर फ्लावर के सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, ये हो गया। अब जो प्रिमिटिव कार्पल्स थे या फिर प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो भी फ्लावर बनते थे या फिर फ्लावर के अंदर जो कार्पल का जो स्ट्रक्चर बनता था, वो कार्पल में हम लोगों ने देखा था कि उसमें स्टाइल एंड स्टिग्मा, व्रंथ और व्रतिका, ठीक है। तो स्टाइल और जो स्टिग्मा थे वो कम्प्लीटली ही एब्सेंट थे, ये कम्प्लीटली ही एब्सेंट थे, इनका फॉर्मेशन हो देखने को मिलता ही नहीं था। और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का, इसके अलावा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनते थे। और ये जो भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता था इसी को अपन लोगों ने बोला था स्टाइल, ठीक है, कि सेपल स्टाइल और स्टिग्मा तो बन ही नहीं रहे, लेकिन जो भी ओवरी है या फिर जो भी कार्पल है, जैसे ये कार्पल हो गया है ना, तो ये कार्पल को अगर फ्लावर से अरेंज करके रखना है, कोई तो ऐसा टिश्यू बनेगा ना जो कि कार्पल को जो मेन फ्लावर है उससे उसको अटैच रखने में हेल्प करेगा। जैसे लीफ को जो भी ब्रांचेस होती है उससे अटैच रखने में कौन हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, या फिर जैसे हम लोग नॉर्मली बोले तो स्टॉक, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके से इसमें भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनती थी जिसको अपन ने बोला स्टाइल, ये तो हो गया प्रिमिटिव। लेकिन एडवांस की बात करें तो, एडवांस की अगर बात करें तो इसमें अगर उसमें एब्सेंट है तो धीरे धीरे क्या होएगा, नए कैरेक्टर्स का तो इंक्लूजन होगा ही, ठीक है, एडवांस कैरेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं और जो स्टाइप जो स्ट्रक्चर उसमें बन रही थी, जैसे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी जिसका वहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टाइल और स्टिग्मा ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। तो स्टाइप या फिर जो भी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे बंद हो जाता है या फिर वो जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, ये हो गया। इसके बाद में अपन लोग देखते हैं कि उसमें जितने भी जो कार्पल थे वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर जितने भी जो कार्पल होते थे, जैसे कार्पल हो गया या फिर जो भी स्टेमन हो गया, तो वो क्या करते थे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, जैसे वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहे हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रिमिटिव। जबकि जितने भी जो एडवांस होते हैं उसमें जो भी स्टाइल और सॉरी जितने भी जो स्टेमन और जो कार्पल होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक नहीं होती है, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट अपना अरेंजमेंट या फिर डिफरेंट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है कि इसमें जो भी स्टेमन है, जैसे कार्पल की बात हो गई, ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्टेमन की। स्टेमन क्या है, एक मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो भी स्टेमन होते थे उसमें भी, जैसे अभी मैंने बताया कि कार्पल और स्टेमन प्रिमिटिव में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, जबकि एडवांस में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो भी प्रिमिटिव थे उसमें ये फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। जैसे ये एक स्टेमन का एग्जाम्पल डायग्राम देखते हैं, ठीक है, कि ये एक बाईलोब्ड स्टेमन है और ये हो गया इसका फिलामेंट। जैसे नॉर्मली ये एक बाईलोब्ड स्टेमन है और ये इसका स्टॉक पोर्शन है, और ये जिसका अपर पोर्शन है इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे से स्पोर्स का जनरेशन होता है, ठीक है।
तो अब जितने भी जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है वहाँ पे क्या देखा कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है, जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, या फिर इन दोनों को जो एक दूसरे के साथ में जो है स्टिक करके रख रहा है, तो वो पोर्शन यहाँ पे एब्सेंट होता था। उसके अलावा जैसे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट था, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है, कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट, ठीक है, कि यहाँ पे जो पोर्शन है उसी को अपन लोगों ने बोला था कनेक्टिव टिश्यू, जो कि प्रिमिटिव में एब्सेंट था। इसके बाद में कि इसके अंदर फिलामेंट जो है ये भी एब्सेंट होता था, विच मीन्स कि जो भी स्टेमन है वो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होता था या फिर ये एक चौड़ा होता था, ठीक है, कंपेयर टू एडवांस। जबकि जितने भी जो एडवांस एंजियोस्पर्म के अंदर जो स्टेमन पाए जाते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, एंड ये जो डिफरेंशिएशन है ये प्रॉपर पाया जाता है, एंड डिफरेंशिएटेड, और ये डिफरेंशिएटेड पाए जाते हैं। अब डिफरेंशिएटेड पाए जाते हैं विच मीन्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे फिलामेंट एब्सेंट है जबकि यहाँ पे क्या होएगा, फिलामेंट प्रेजेंट होएगा, और ये जो बाईलोब्ड है तो इसके अंदर क्या होएगा, जो दोनों लोब्स है इसकी, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड रहेगी। सेपरेटेड कैसे रहेगी या फिर एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करेगी, तो ये कनेक्ट करेगी एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू। जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अरेंज करके रखने में हेल्प कर रहा है, और ये जो बाईलोब स्ट्रक्चर है ये एक फिलामेंट के थ्रू जो भी फ्लावर होता है उससे ये अटैच्ड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी फ्लावर हो गया तो ये क्या करेगी, ये फ्लावर से इस फिलामेंट के थ्रू ये अटैच्ड रहेगी, ये हो गया वेल डिफ्रेंशिएटेड। और यहाँ पे अगर लिखें तो कनेक्टिव टिश्यू एंड फिलामेंट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि प्रीवियस में देखा था कि वो चीज़ें प्रिमिटिव में एब्सेंट थी, ये हो गया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, जितने भी सीड्स बनते हैं प्रिमिटिव के अंदर, सीड देखा था कि जो भी सीड बन रहे हैं वो एंडोस्पर्मिक होते थे, जैसे वहाँ पे जो है सीड है वो एंडोस्पर्मिक होते थे, ठीक है, ये चीज़ देखी थी। जबकि एडवांस में क्या होएगा, सीड एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, सीड क्या होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे सीड है ये हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और वहाँ पे देखा था कि जो भी पॉलिनेशन है वो सिर्फ इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, जबकि यहाँ पे पॉलिनेशन के जो है मल्टीपल मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे देखा था कि जो भी पॉलिनेशन है यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है जो कि स्टेमन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे बाईलोब स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा था, जैसे ये जो स्ट्रक्चर था अपना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो गया अपने पोलन ग्रेन्स जिनका जो फॉर्मेशन है या जो डेवलपमेंट है वो स्टेमन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये बेसिकली क्या कर रहे थे, इंसेक्ट्स के थ्रू वन प्लांट टू अनदर प्लांट ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जब भी इनको ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए जो वेक्टर था वो इंसेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे एडवांस में क्या होता है, पॉलिनेशन के मल्टीपल मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, मल्टीपल मेथड्स को फॉलो किए जाते हैं। अभी मल्टीपल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बाई बर्ड्स हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है, या फिर अगर दो प्लांट एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं तो जो फिजिकल कांटेक्ट होता है उसके थ्रू भी जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और उस बेसिस पे भी जो है ये पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब अपने पहले बात करते हैं कि ये तो हो गया कि पॉलिनेशन हो गया, और जितने भी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो सारे अपन लोगों ने स्टडी कर लिए। अब देखते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो क्या है,
कि जितनी भी जो जैसे एंडोस्पर्मिक सीड है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक का मीनिंग क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। कि सीड में एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसे एंडोस्पर्म क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एंडोस्पर्म बेसिकली क्या करता है कि जैसे कोई भी सीड है तो वो क्या करता है कि या फिर सीड का जब जर्मिनेशन होता है, जैसे सीड है, ये हो गया अपना सीड और ये सीड जर्मिनेशन कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होएगी, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद में ही जो सीड है उसका जर्मिनेशन होएगा और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है या फिर जो भी उससे अंकुर निकलेगा वो मतलब कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट होता है, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट होता है। तो जितनी भी सीड के अंदर जो भी एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, उस एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है अपना एंडोस्पर्म। कि जितने जो भी एंडोस्पर्म है वो अपना एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में रोल प्ले करता है, ये हो गया। ये एम्ब्रियोनिक जो ग्रोथ होती है उसमें अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म होता है, जो भी एम्ब्रियो बन रहा है या फिर सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो जब तक उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती है सीड को, जैसे सीड को जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस में, तब तक तो इसके अंदर जो भी एम्ब्रियो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, वो इनएक्टिव ही पड़ा रहेगा, वो इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीड को जो है प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती है तब वो क्या करता है, या फिर जैसे सीड को वाटर में सोक किया जाता है, ठीक है, तो वाटर में सोक करेंगे तो क्या होएगा कि उसके अंदर जो भी एम्ब्रियो होएगा वो एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एम्ब्रियो एक्टिव होएगा तो क्या होएगा कि जो भी एम्ब्रियोनिक प्रोसेसेस होती है वो सारी स्टार्ट हो जाएगी, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जो भी प्राइमरी प्रोटोनिमा या फिर जो भी उसका जर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो फिनोमेना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो फर्स्ट तो हो गया कि ये एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है, सेकंड कि ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई भी करता है। न्यूट्रिशन सप्लाई किसको देता है, ये न्यूट्रिशन सप्लाई एम्ब्रियो को देता है, कि अगर एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उसके न्यूट्रिशन तो चाहिए। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये जो एम्ब्रियो है ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ये डेड हो जाए, इसकी डेथ हो जाए और ये आगे अपना जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन सप्लाई भी जो है एंडोस्पर्म के थ्रू की जाती है। इसके अलावा जो भी एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि जो भी एम्ब्रियो है उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट का क्या मीन हो गया कि जैसे एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो को ये क्या करता है कि जो भी आउटर जो भी फैक्टर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन का, जिससे कि प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन का मतलब कि इसको किसी भी तरह की इंजरी ना हो, इंजरी से प्रोटेक्शन देना, विच मीन्स उसी को बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कि एम्ब्रियो को किसी तरह की इंजरी ना हो और वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर जो है डेवलपमेंट कर सके। तो ये चीज़ें हो गई। एंडोस्पर्म है, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जितने भी जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का फीचर है, और एंडोस्पर्म का मतलब ही ये होता है कि जो भी एंडोस्पर्म या फिर जो भी लिक्विड पोर्शन उसमें प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है, वो जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन एडवांस एंजियोस्पर्म में ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जितने भी जो सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म ही एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर, और उनका जो भी कंपैरिजन बेसिस पे जो हमें स्टडी करना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन लोगों ने डिस्कस की है। तो इससे आगे की जो भी टॉपिक होगा ये यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अपन नेक्स्ट क्लास में जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।